वो दिसंबर की आखिरी शाम थी, जब सूरज की आखिरी किरणों ने पूरे आसमान पर नारंगी रंग की चादर चढ़ा रखी थी, जिसके नीचे 128 साल पुराना अजीम लोहे का ढांचा, जिसे लोग आइफल टावर के नाम से जानते हैं, अपनी पूरी शानो शौकत से खड़ा था। और मैं इसके बिल्कुल सामने एक बुलंदो बाला इमारत की आखिरी मंजिल के एक कमरे में बैठा ना सिर्फ आइफल टावर बल्कि पूरे पेरिस शहर को देख रहा था। ये मेरा फ्रांस में सातवां और आखिरी दिन था। मैं कुछ ही देर में चाइना के लिए रवाना होने ही वाला था, इसलिए मैं इस पूरे शहर के खूबसूरत नज़ारे को अपनी हसीन यादों में अच्छी तरह कैद कर लेना चाहता था। जैसे जैसे रात होती जा रही थी, शहर भर में रोशनियां भरती जा रही थी और यूं लोगों की बात भी सच्ची होती जा रही थी कि पेरिस रोशनियों का शहर है। फ्रांस ना सिर्फ रोशनियों की सरजमीन है बल्कि यहाँ दुनिया की इंतहाई खूबसूरत तरीन झीलें भी हैं और ऊंचे ऊंचे नीले सुरमई पहाड़ भी हैं, जिनकी चट्टानों से जब उड़ते हुए बादल टकराकर गुजरते हैं तो जन्नत का नजारा पेश करते हैं। इसके अलावा फ्रांस के पहाड़ी इलाकों में कुछ गांव भी आबाद हैं, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। इधर सांस लेने के लिए साफ सुथरी फिजा है, जिंदगी जीने के लिए पुरसकून माहौल है, कई तरह के खुशबूदार फूल भी खिले हुए दिखाई देते हैं और आसपास घने सरसब्ज दरख्त भी हैं, जो किसी खूबसूरत जंगल का मंजर पेश करते हैं। फ्रांस के बारे में कुछ दिलचस्प हकाई की बात की जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग फ्रांस का रुख करते हैं। 2012 में 83 मिलियन लोगों ने फ्रांस का रुख किया था। फ्रांस में कॉफी खरीदने के लिए एक ऐसी जगह भी है जहाँ हेलो और प्लीज जैसे अल्फाज न कहने पर कॉफी और भी ज्यादा महंगी मिलती है। दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी ने यूरोप और शुमाली अफ्रीका का बड़ा हिस्सा फतह कर लिया था। उसी दौरान लाखों यहूदियों और अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को कैद खानों में डाल दिया गया या मौत के घाट उतार दिया गया। उस दौरान पेरिस की एक मस्जिद, जिसका नाम मस्जिद पेरिस है, ये फ्रांस में तमीर होने वाली पहली मस्जिद थी जिसने यहूदियों को मुसलमान होने की जाली दस्तावेजात जारी की और यूं बहुत से यहूदियों को जर्मन फौज से छुपाने में मदद की थी। पर जापान के साथ इतिहाद के बावजूद जर्मनी जंग हार गया और नाजी का खात्मा हो गया। पेरिस, जो कि दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है, फ्रांस के इस तारीखी शहर में 61,000 से ज्यादा गलियां हैं। 1748 से 1772 तक ऐसा दौर था जब फ्रांस में आलू खाना गैर कानूनी था। फ्रांस के सबसे पुराने पुल का नाम नया पुल यानी न्यू ब्रिज है। अक्सर लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि 1814 से 1830 तक फ्रांस के परचम का रंग मुकम्मल सफेद था। इसके अलावा कोई और रंग फ्रांस के परचम में नहीं था। आप ये बात जानकर भी हैरान होंगे कि इतने लोग फ्रांस में फ्रेंच नहीं बोलते जितने अफ्रीका में रहने वाले बोलते हैं। दुनिया अजीबोगरीब और खूबसूरत मुकामात से भरी पड़ी है, लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे मुकामात भी मौजूद हैं जो समंदर से मुलहका हैं या समंदर के दरमियान से गुजरते हैं और पानी की सतह बुलंद होने की वजह से रोजाना कुछ वक्त के लिए डूब जाते हैं। फ्रांस में भी कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब सड़क है जो रोजाना गायब हो जाती है। अजीब बात यह है कि 2.58 मील तवील ये सड़क दिन में 2 मरतबा गायब हो जाती है। फ्रांस के लोग इस सड़क को दिन में सिर्फ चंद घंटे के लिए ही इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हैं। सड़क के इतराफ में खसूसी तख्ते लगाए गए हैं जो ये जाहिर करते हैं कि सड़क इस्तेमाल के लिए महफूज है। खसूसी तख्तों के बावजूद लोग लहरों में फंस जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ जान बचाने के लिए बुलंद मीनार मौजूद है। अगर आप पेरिस जाए तो आपको खुले आसमान के नीचे बने बार्स, कैफे और रेस्टोरेंट्स नजर आएंगे। अगर आप रोजाना इनमें से किसी भी एक बार, कैफे या रेस्टोरेंट का रुख करना चाहें तो आपको पेरिस शहर में बने इन तमाम बार्स, कैफे और रेस्टोरेंट्स को देखने में तकरीबन 29 साल लगेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि तब तक इस शहर में मजीद 9,000 से ज्यादा बार्स, कैफे और रेस्टोरेंट्स खुल चुके होंगे। फ्रांस मगरबी यूरोप में वाकई एक मुल्क है
लेकिन इसके कुछ इलाके समंदर पार शुमाली और जनूबी अमेरिका, बहरुल काहिल और बहरे हिंद में भी वाके हैं। फ्रांस के हमसाया मुमालिक में बेल्जियम, लक्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और स्पेन जैसे मुल्क हैं। फ्रांस की हवाओं में न सिर्फ बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि यहाँ कई तरह के खूबसूरत और नायाब नस्ल के परिंदे भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। 1789 में फ्रांस में किंग लुइस की हुकूमत थी। उसके दौर में फ्रांस दो तबकों में तकसीम हो गया था। एक वो तबका था जिसके लिए फ्रांस जन्नत का टुकड़ा था। ये लोग चांदी की प्लेटों में सोने के चम्मच से खाना खाते थे, 200 एकड़ के घरों में रहते थे। इन लोगों को आम लोगों पर टैक्स तक लगाने की इजाजत थी और इन लोगों को कानूनन 10 कत्ल तक मुआफ थे, जबकि दूसरा तबका जरूरियात जिंदगी तक के लिए तरस रहा था। इन लोगों के पास खाने के लिए खाना, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए कपड़े और सर छुपाने के लिए छत तक नहीं थी। ये लोग बेरोजगार भी थे, इलीट क्लास के जुल्म के शिकार भी थे, इंसाफ से महरूम भी थे और इन्हें तलीम, सेहत और बराबरी के हकूक भी हासिल नहीं थे। उस वक्त फ्रांस की ये हालत थी कि मुल्क पर कहत पड़ चुका था। लोग शाही महल के सामने इकट्ठे हुए और बादशाह के सामने रोटी की दुहाई देने लगे। ये वही वाकया था जिसके आखिर में बादशाह की नौजवान मलका ने कहा था कि अगर इन लोगों को रोटी नहीं मिलती तो ये केक खा लें। उस दौर में लोग रोते रहे और मुल्क का बलाई तबका उनके रोने पर हंसता रहा। उस वक्त फ्रांस में रिश्वत को कानूनी शक्ल हासिल हो चुकी थी और पेरिस में रिश्वत के बगैर मुर्दों तक की तदफीन मुमकिन नहीं थी। सारा सरकारी निजाम बैठ चुका था और लोगों के लिए सांस तक लेना मुश्किल हो गया था। उन हालात में 14 जुलाई 1789 को लोगों का एक छोटा सा ग्रुप उठा। उन्होंने हाथ में डंडे उठाए और पेरिस की तरफ चल पड़े। हुकूमत ने शुरू शुरू में इन लोगों को बागी करार दिया और फौज को इन्हें कुचलने के लिए भिजवा दिया, लेकिन फौज के पहुंचने से पहले ही ये छोटा सा ग्रुप हजारों लाखों की फौज बन चुका था। लोगों की ये फौज एक माह के अंदर पेरिस पहुंच गई। उन्होंने पेरिस के हर उस शख्स का गला काट दिया जो हर रोज शेव करता था, जो दिन में 3 बार खाना खाता था, जिसके घर में रात के वक्त रोशनी होती थी और जिसके पास कपड़ों का एक से ज्यादा जोड़ा होता था। तारीख खून के इस खेल को इनकलाबे फ्रांस या फ्रेंच रेवोल्यूशन कहती है। इस इनकलाब में फ्रांस के महरूम तबकों ने बलाई तबकों के तमाम लोगों, तमाम वजीरों, सफीरों, तमाम ताजिरों, सनतकारों, बिजनेसमैनों, तमाम जमींदारों, सरमायाकारों और खुशहाल लोगों को कत्ल कर दिया। उन लोगों ने बादशाह के महल पर हमला किया, बादशाह को बाहर निकाला और उसे सड़कों पर घसीटा और हजारों लोगों के सामने सूली पर चढ़ा दिया, जबकि उसकी जवान मलका को 6 बाय 6 फुट के एक छोटे से मोर्चे में बंद कर दिया। मलका के लिए ये सजा इस कदर अजियतनाक थी कि सिर्फ 1.5 माह में उसके सारे बाल सफेद हो गए। ये इनकलाब 1792 तक कायम रहा और इसके बाद फ्रांस से बादशाहत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। फ्रांस अब एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। फ्रांस यूरोपीय यूनियन के बानी अरकान में से एक और रकबे के लिहाज से इसका सबसे बड़ा रुकन है। फ्रांस नेटो के बानी अरकान में से भी है, ये अक्वामे मुतहदा के बानी अरकान में से भी है और सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है। फ्रांस दुनिया की 7 एटमी ताकतों में से एक है। यहाँ सियाहों के लिए बेशुमार मुकामात है। यही वजह है कि मैं भी इस मुल्क में खींचा चला आया था और यहाँ 7 यादगार दिन जीने के बाद मैं पेरिस शहर से चाइना के लिए रवाना हो चुका था।